हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम आ गए हैं जम्मू के कटरा शहर में, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसकी वीडियो लेकिन मैंने अलग बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में कि होटल का क्या प्राइस है, होटल कैसा है। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं होटल में, जिंजर होटल। ये 3-स्टार होटल है जो कि कटरा में है और ये होटल सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है कटरा रेलवे स्टेशन से। पहले मैं आपको इस होटल के बारे में बता दूं, जिंजर इज़ एन इंडियन मिड स्केल ब्रांड ऑफ होटल चेन फ्रॉम इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं IHCL, जो कि एक सब्सिडरी है टाटा ग्रुप का। और ये हम आ गए हैं होटल की रिसेप्शन पे। हमारा कमरा यहाँ पे पहले से बुक है, मेक माई ट्रिप से हमने होटल की बुकिंग करवा रखी है। और ये आप इसका होटल का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। इस होटल के रूम का रेंट जो हमें मेक माई ट्रिप से मिला है वो मिला है नियर अबाउट 2600 के आसपास, 2600, जिसमें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। इस होटल में हमने बुकिंग इसलिए कराई क्योंकि IHCL जो है ऑपरेट्स करता है अराउंड 85 होटल्स इन 39 सिटीज अक्रॉस इंडिया अंडर द जिंजर ब्रांड। तो इसका नाम तो काफ़ी सुना हुआ है, दिल्ली में भी ये होटल है। तो हमने कहा चलिए कटरा चल रहे हैं तो इसी होटल को ट्राई करते हैं। अब ये हमें रूम की की मिल चुकी है और ये हम लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं और अब चलते हैं अपने रूम में और देखते हैं कि रूम कैसा है। ये बाहर से आप लॉबी एरिया देख सकते हैं, देखने में तो नीट एंड क्लीन है, ठीक लग रहा है। अब चलते हैं आगे अपने रूम की तरफ। ये हम रूम अपना फाइंड कर रहे हैं, 410 कहाँ है, 410 नंबर देखते हैं। और ये लगता है रूम पीछे रह गया वापस। और ये आ गया हमारा रूम 410। रूम ओपन करके अंदर चल के देखते हैं कैसा रूम है। और ये हम रूम के अंदर आ गए हैं और ये आप रूम देख सकते हैं कैसा रूम है इसका। ये टीवी लगा हुआ है लॉयड कंपनी का। और आगे देखिए, पूरा मैं आपको डिटेल में रूम दिखाऊंगा कि रूम कैसा है जिंजर होटल का, जो कि 3-स्टार है, IHCL ग्रुप का होटल है। और ये विंडो बना रखी है, विंडो को आगे से कवर कर रखा है। 2 सोफे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये आप वॉल्स देख सकते हैं, ये आप इसकी रूफ देखिए। ये यहाँ पे फोन लगा हुआ है अगर आपको रिसेप्शन पे बात करनी है तो। और ये आप बेड देख सकते हैं। और ये मिनी फ्रिज लगा हुआ है, फ्रिज देखते हैं अंदर से खाली पड़ा है पूरा। और क्या क्या है, और ये बाथरूम आपको मैं दिखाता हूँ इसका बाथरूम कैसा है। बाथरूम तो इतना बढ़िया नहीं है। ये आप बाथरूम अंदर से देखिए, इतनी बढ़िया टाइल्स लग नहीं रही मुझे। ये टॉवल पड़ा हुआ है और ये टाइल्स में मज़ा नहीं आया कुछ, देखने में कुछ अच्छा सा व्यू नहीं आ रहा। बाथरूम देखने में इतना बढ़िया नहीं लग रहा मुझे तो। और ये आप देख सकते हैं सीट। और ये रूम में आ गए। और ये कबर्ड है, कबर्ड को ओपन करता हूँ। ये देखिए अंदर से कबर्ड भी कैसी है, गंदी सी हो रखी है अंदर से, इतनी बढ़िया नहीं है। और ये चाय बनाने के लिए। और ये बेड देख सकते हैं आप, अंदर से देखा जाए रूम तो रूम ठीक है 3-स्टार होटल के हिसाब से, लेकिन मैं कहूँ बहुत बढ़िया तो मुझे नहीं लगा।
और वो जो आप पीछे विंडो देख सकते हैं, वो जो इन्होंने कवर करी हुई है, मुझे लगा उसके पीछे कुछ अच्छा व्यू होगा, लेकिन उसके पीछे तो एक गंदी सी बालकनी थी। और ये हम आ गए हैं इनके रेस्टोरेंट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि हमारे रूम के साथ इंक्लूड था। और ये देखिए, रेस्टोरेंट तो अभी खाली सा दिख रहा है, सुबह 10 बजे का टाइम है अभी। और हम वेट कर रहे हैं कि अंदर से कोई आएगा और हमें फूड देगा। वैसे तो सामने बुफे लगा हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ जो हैं वो खाली पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, जूस, मिक्स जूस है यहाँ पे बुफे में। और आगे बढ़ते हैं, हॉट मिल्क, और ये केलॉग्स पड़े हैं, सीरियल्स। ये ब्रेकफास्ट में है सब। और ये ब्रेड पड़ी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, भटूरे हमने बोले हैं, और ये गर्मा गर्म लगता है, भटूरे आ गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बुफे में क्या क्या है। ये देखिए, बुफे में ये ब्रेड पकौड़ा है, भटूरे हैं, आगे छोले मसाला, भटूरे के साथ खाने के लिए छोले, ये आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, टी कॉफ़ी के लिए कप पड़े हैं, चाय कॉफ़ी के लिए। और ये जूस, मैंने तो जूस लिया है। और ये पोहा देख सकते हैं आप, पोहा पड़ा हुआ है खाने के लिए। और ये ब्रेड पकौड़ा है अभी, लेकिन खाली है। और ये भटूरे पड़े हैं। ब्रेकफास्ट में इतना ही है। और ये चाय, और हमारे भटूरे रेडी हैं प्लेट में खाने के लिए। क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो इसलिए भटूरे ही खाने पड़ेंगे अभी हमें। भटूरे खाने में भी ज़्यादा मज़ा आया नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऑयली थे। और ब्रेड पकौड़ा भी खाया, ब्रेड पकौड़ा ठीक था, और जूस पिया है, और लास्ट में पोहा खाया, वो भी ठीक ठाक था। ओवरऑल अगर ब्रेकफास्ट की बात करी जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा जमी था। ब्रेकफास्ट को तो मैं यही कहूँगा कि एवरेज था, और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी। और ये हम आ गए हैं वापस रूम में, और ये आप रूम देख सकते हैं। और अब चेकआउट करने का हमारा टाइम हो गया है, तो हम रूम से बाहर आके चेकआउट करने के लिए निकल पड़े हैं। दर्शन हम करके आ चुके हैं, उसकी वीडियो भी मैं अभी बहुत जल्द अपलोड करूँगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो तो सिर्फ होटल के लिए थी, जिंजर होटल का आप पूरा देख सकते हैं, क्या प्राइस है, कैसा ब्रेकफास्ट है, कैसा रूम है। और अब हमारा तो चेकआउट करने का टाइम हो गया है, और हम चेकआउट करने के लिए नीचे आ गए हैं रिसेप्शन पे। और ये अब हम होटल से बाहर निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जिंजर होटल की आगे पार्किंग है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखाई थी। पार्किंग काफ़ी खुली डुली है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ओवरऑल अगर जिंजर होटल की बात की जाए, ये कटरा में जो है, इसको मैं एवरेज ही कहूँगा, ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत बढ़िया है। 3 स्टार होटल के हिसाब से भी मैं इसे एवरेज रेटिंग ही दूँगा। तो आइए, पूरा वीडियो हो चुकी है, पूरा मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर चलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब चलते हैं बाहर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, द जिंजर होटल इज ऑन जम्मू रोड एंड इज इन द मिडल ऑफ द मेन मार्केट, जो कि 2 किलोमीटर है कटरा रेलवे स्टेशन से, एंड अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम बाण गंगा, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ माँ वैष्णो देवी यात्रा। ओके फ्रेंड्स,
अब चलने का टाइम हो गया है। अब मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ और एक नई जगह पे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए, अब चलने का टाइम हो गया है। गुड बाय एंड टेक केयर।